नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस कार्यक्रम में ये जानेंगे कि इस वर्ष जो होली का ये पवित्र त्यौहार, पवित्र पर्व है, किस दिन मनाया जाएगा, और ये भी जानेंगे कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, जो हम बिल्कुल इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे चर्चा के, एवं किस तिथि में ये होली का दहन होगा तथा फिर इसकी पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। होली का दहन से पहले होलिका माता की जो पूजा की जाती है उसकी विधि क्या होनी चाहिए, और इस पर्व का विशेष महत्व क्या है, इस पर भी बात करेंगे संक्षेप में। तो साथियों, होली का ये पवित्र पर्व जो है, दिनांक 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को होलिका दहन के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि इस दिन मैंने जो अभी आपको डेट बताया है, 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार, इस दिन होलिका दहन होगा, तथा 18 मार्च दिन शुक्रवार को रंगों का पर्व, जिसको हम दुल्हड़ी भी बोलते हैं, उसके रूप में मनाया जाएगा। और साथियों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि होली को रंगों और खुशियों का त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सच है, जो लोगों में प्रेम और सद्भावना का संचार करता है। बहुत ही सुंदर पर्व है ये, लोग इसको बहुत आनंद के साथ मनाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। अब आपको बताएंगे कि होली का दहन के नियम क्या होने चाहिए। तो आपको बताते हैं कि देखिए, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उससे लेकर के और फागुन माह की पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक लग जाता है, जो कि इस वर्ष दिनांक 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक रहने वाला है। और साथियों, इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं, यह हमारे शास्त्र का कथन है। होली का दहन सदैव पूर्णिमा तिथि पर ही किया जाता है, और इसके लिए दो विशेष नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। होलिका दहन के दौरान एक तो भद्रा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात कि होलिका दहन पर पूर्णिमा प्रदोष काल के समय में ही व्याप्त, मतलब प्रदोष काल से ही व्याप्त होनी चाहिए, यानी कि प्रदोष काल होना चाहिए पूर्णिमा के समय पर, यानी कि पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रदोष काल में भी होनी चाहिए। और पूर्णिमा जो प्रदोष काल होता है, ये होता है सनसेट के 2 से 2.5 घंटे के बाद का जो समय होता है। सामान्य शब्दों में, इस दिन पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में होनी चाहिए, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट की समय अवधि में होना चाहिए। यह बात आप समझ लीजिए। होली का दहन का जो महत्व है वो क्या है, थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। तो साथियों, ये पर्व भी जो है होली का, यह भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस पर्व से संबंधित एक कहानी का भी वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार है कि दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप जो थे, ये उनसे संबंधित है। आप भी बहुत, आप में से जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे ये कहानी, ये कथा। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? वह ना तो मनुष्य, ना ही जानवर के द्वारा, और ना ही दिन में या ना ही रात में, ना ही घर किसी के अंदर भवन में या किसी जगह पे अंदर, या ना ही बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु की जा सकती है, यानी कि वो एक तरीके से अमर हो गया। और इस वरदान को पाकर राजा स्वयं को भगवान मानने लगा, और उसने सभी को यह आदेश दिया, अपनी प्रजा को, कि सब उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रह्लाद हुआ है, प्रह्लाद जो है भगवान श्री विष्णु हरि जी के परम भक्त थे प्रह्लाद, तथा उनकी भक्ति में ही वो लीन रहा करते थे। लेकिन ये बात प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, नापसंद थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रह्लाद को मारने के लिए कहा, और यह होलिका को वरदान था
कि वो स्वयं नहीं जलेगी होली में बैठ करके, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो जल जाएगा। तो होलिका मात ने क्या किया कि प्रहलाद को अपनी गोद में रख करके उन्होंने बैठ गई और वो होलिका ज्वलनशील हो गई, ज्वलन मतलब जलने लगी। उसमें क्या रहा कि प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो उनको तो भगवान विष्णु हरि जी ने बचाया, लेकिन होलिका का दहन हो गया। तो इसीलिए होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। एक छोटी सी कहानी और भी है, वो भगवान कृष्ण जी की है, कि वो माता से कहा करते थे, यशोदा मैया से, कि मैं क्यों काला हूँ, राधा क्यों गोरी है। तो मजाकों में यशोदा मैया ने कृष्ण जी को कहा कि अगर तुम उनके रंग लगा दोगे तो वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएंगी। तो वो फिर वहाँ पे रंग लगाने के लिए गए हैं राधा जी को, राधा मैया को, और वहाँ जा करके उन्होंने उनके साथ होली खेली है। बरसाने की होली बहुत प्रचलित है, तो इस करके भी जो है ये होली का त्यौहार बहुत ही आन बान और शान से मनाते हैं लोग, बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं। होलिका दहन की पूजा विधि क्या होनी चाहिए? साथियों, होलिका दहन संपन्न करने से पहले, यानी कि होलिका को जलाने से पहले, होलिका की पूरी रीति रिवाजों से पूजा की जानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि होलिका की पूजन विधि किस प्रकार होनी चाहिए। नंबर एक, इस दिन होलिका के पास आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ करके ही पूजन करें। नंबर दो, होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को, सफ़ेद रंग का जो कच्चा सूत आता है बाजार में मिलता है, उसको या तो 3 परिक्रमा करते हुए या फिर 7 परिक्रमा करते हुए होलिका से लपेटना चाहिए। तीसरी बात यह कि शुद्ध जल और पूजा की अन्य सामग्री को एक एक करके होलिका को अर्पित करें। नंबर चार, पूजा करने के बाद जल से आप अर्घ्य दें। और नंबर पांच, एक लोटा जल, चावल, माला, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, रोली, कच्चा सूत, गंध, पुष्प और बताशे, साथ ही गुलाल और नारियल इत्यादि जो हैं, इनकी सामग्री होलिका माता को अर्पित करें। और इसी के साथ जो नई फसल पैदा होती है, जैसे गेहूं है तो गेहूं की बालियां होती हैं, जौ या चने पके हुए, वो भी, और होलिका दहन के समय उसको जलाने का भी है, उनको उसमें भूनने का भी होता है। तो इस प्रकार जो है ये है पूजा करने की विधि होलिका माता की। अब आते हैं अंत में कि होलिका दहन का 17 मार्च 2022 को शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, 17 मार्च इस दिन गुरुवार सन 2022, इसका शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का रात्रि 9:03 से रात्रि 10:13 के मध्य। कुल अवधि है 1 घंटा 10 मिनट। और भद्रा पूंछ जो है वो रात्रि 9:03 से रात्रि 10:13 तक ही है। भद्रा मुख जो है वो रात्रि 10:13 से रात्रि 12:09 तक। रंग वाली होली 18 मार्च दिन शुक्रवार को है। और पूर्णिमा तिथि कब से आरंभ होगी? 17 मार्च 2022 को ये आरंभ होगी दोपहर 1:29 से, और ये 18 मार्च तक रहेगी 2022 तक दोपहर 12:46 तक। तो ये थी पूरी होलिका माता से संबंधित जानकारी, होली पर्व से संबंधित जानकारी, साथ में शुभ मुहूर्त की जानकारी। हमें आशा है कि आपको ये होली पर्व से संबंधित जो हमने ये जानकारी आपके साथ साझा की है, आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आता है साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबाएंगे बेल आइकन को, तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए वीडियोस बनने हैं अलग अलग विषयों पर, उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगी और वे वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंचेंगे, ताकि आप उनका लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।